एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो मैं आपके साथ एक अनदर फैशन हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आज की जो वीडियो होने वाली है वो अगेन मिंत्रा से होने वाली है। मिंत्रा से जो है मैंने कुछ डिफरेंट से आइटम्स हैं वो पिक किए हैं और ये इस वाले हॉल को लेके मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वाला जो हॉल है ना थोड़ा सा मिक्स होने वाला है। इसमें आपको जैकेट, ब्लेजर, फुटवेयर और डेनिम वगैरह सभी जो है इसमें इंक्लूड किया है मैंने और इन सभी का जो प्राइस है वो अंडर 1000 के है, तो काफी अफोर्डेबल भी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है और चैनल थोड़ा भी पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टार्ट करूँ सबसे पहले अपने फर्स्ट ब्लेजर से। जो फर्स्ट जो ब्लेजर है वो थोड़े से डिफरेंट से कलर में मैंने पिक किया है और ये वाला जो कलर है वो ब्लैक कलर के किसी भी आउटफिट के साथ काफी अच्छे से निकल के आएगा। तो ब्रांड की बात करूँ तो ब्रांड जो है इसका कोटिन फैब करके है और साइज जो है इसमें मैंने मीडियम पिक किया। ये मीडियम साइज में जो है मुझे प्रॉपर फिट आ रहा है। अगर आपको बिल्कुल ही फिटिंग वाला ब्लेजर चाहिए तो अपना जो एक्चुअल साइज है ना उसी के साथ जाइएगा। और लेंथ की बात करूं जो है इसकी मुझे वेस्ट तक आई है, काफी अच्छी इसकी जो लेंथ है वो मुझे लगी है, ना ज्यादा क्रॉप है ना ज्यादा लॉन्ग है। स्लीव्स इसमें आपको फुल स्लीव्स मिल जाएगी। और फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक जो है इसका प्योर कॉटन का है, काफी अच्छा कॉटन दिया हुआ है। और जो कॉटन का फैब्रिक है ना इस तरह का बिल्कुल प्लेन वाला जो कॉटन है ना वो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा इस तरह का। और इसमें जो है फ्रंट में आपको कुछ इस तरह की दो पॉकेट्स मिल जाएगी और क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो है इसमें सेंटर में आपको जो है एक बटन मिल जाएगा। और अंदर की तरफ का जो फैब्रिक है वो आपको पॉलिएस्टर का मिल जाएगा, ब्लैक कलर में जो है पॉलिएस्टर का फैब्रिक दिया हुआ है अंदर की तरफ। और बैक में जो है इस तरह के में जो है आपको टू इस तरह के हेम मिल जाएंगे जिससे इसकी जो फिटिंग है वो काफी प्रॉपर आई है। जो ब्लेजर है ना कुछ इस टाइप का है। अभी जो है फैब का मंथ चला हुआ है तो इसमें जो है हल्की फुल्की ठंड है, तो अगर आपको ऑफिस वगैरह के लिए या अपने जो है फॉर्मल वे में किसी भी तरह से कुछ इस तरह का वेयर करना है जिसमें आपको थोड़ी सी ठंड भी जो है ना लगे और साथ ही साथ स्टाइलिश लुक के साथ साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लगे। मैंने जिस प्राइस पे मिला है अंडर 1000 के, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है या फिर जो पहनने के बाद जो लुक आया है वो काफी ब्यूटीफुल निकल के आया है। तो मेरी तरफ से तो ये पीस जो है हाईली रिकमेंड है। इसमें जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कलर जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो पीस है वो भी सेम इसी ब्रांड से पिक किया है मैंने, थोड़ा सा कलर इसका भी जो है डिफरेंट सा पिक किया है। ब्रांड अगेन इसका जो कॉटन फैब करके है और इसमें जो ना साइज मैंने लार्ज पिक किया है। तो ये तो फर्स्ट वाला जो पीस है वो मुझे काफी फिट आ रहा था, लेकिन ये वाला जो थोड़ा सा लूज है, अगर आपको ब्लेजर में थोड़ा सा लूज वाला जो लुक है वो अच्छा लगता है तो एक साइज जो है इसमें आप अपना अप भी जा सकते हैं। तो इसका जो फैब्रिक है वो भी अगेन प्योर कॉटन का है। कलर इसका जो है तो कलर जो है इसका बिल्कुल डार्क मस्टर्ड होता है ना वो है, थोड़ा सा ब्लैक का टोन भी है इसमें, प्योर मस्टर्ड नहीं है। तो ब्लैक और मस्टर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा निकल के आ रहा है। कलर काफी सुंदर लगा है मुझे। समर में इस तरह के कलर है वो काफी फ्रेश लगते हैं पहने हुए। इसमें भी जो आपको लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएंगी, स्लीव्स पे यहाँ पे तीन इस तरह के बटन्स दिए हुए हैं। फ्रंट में भी इसमें भी जो है आपको दो पॉकेट्स मिल जाएगी क्लोज करने के लिए कुछ इस तरह का। सेंटर में इसमें भी आपको एक बटन मिल जाएगा। अंदर वाला जो फैब्रिक है इसका भी सेम ही है पॉलिएस्टर का, ब्लैक कलर में। दोनों ब्लेजर जो है सेम है, बस इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये वाला जो ब्लेजर है वो भी मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है। लेंथ भी जो है इसकी काफी अच्छी लगी है मुझे और कलर है वो ज्यादा अच्छा लगा है। एग्जैक्ट जैसा मैंने देखा था ना बिल्कुल मुझे वैसा ही कलर रिसीव हुआ है। तो आप फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं, काफी स्मार्ट लुक आएगा। एज फॉर्मली पहने या फिर कैजुअली कैसे भी पहनेंगे तो काफी अच्छा इसका जो लुक है वो आने वाला है। तो इन सभी का जो प्राइस है वो मैंने साथ साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया है और इन सभी का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इजीली चेक करके शॉपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पीस है वो भी जो है अभी जो मौसम हो रखा है उसके हिसाब से काफी यूजफुल रहने वाला है। तो ये वाली जो है कुछ इस तरह की एक ट्रेलर जैकेट है और कलर जो है इसका ब्राउन है। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक जो है इसका पॉलिएस्टर का मिल जाएगा। ब्रांड करूँ तो ब्रांड जो है इसमें रोडस्टर है। साइज जो है मैंने लार्ज लिया है, तो लार्ज साइज में जो है मुझे थोड़ी सी लूज लूज सी आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा ही जो लुक है वो काफी अच्छा लगा था। और इस इनर और आउटर वाला जो फैब्रिक है इसमें पॉलिएस्टर का मिल जाएगा, काफी अच्छी क्वालिटी का पॉलिएस्टर इसमें है। ये वाला पीस भी काफी यूजफुल रहने वाला है। इस टाइम पे दिल्ली पे जो हल्की सी ठंड है, तो सुबह शाम के हिसाब से ये वाला पीस भी काफी यूजफुल रहने वाला है। और लेंथ की बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी वेस्ट से ऊपर तक आ रही है, तो थोड़ा सा क्रॉप वाला जो लुक है वो आएगा इसके साथ। स्लीव्स इसमें आपको फुल स्लीव्स मिल जाएगी और फ्रंट में जो है स्लीव्स पे यहाँ पे कुछ इस तरह की इलास्टिक दी गई है। क्लोजअप के लिए इसमें जो है फ्रंट में आपको जो है इस तरह की एक जिप मिल जाएगी और बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन सिंपल सी है। साथ में जो है इसमें आपको इस तरह की जो है एक हुडी है वो भी अटैच मिलेगी। और वेस्ट के पास ना इसमें अगेन इस तरह की जो एक स्ट्रिंग है वो दी गई है। अगर आपको थोड़ी सी लूज लग रही है वेस्ट से तो इसे जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये वाला पीस भी मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये वाली जो जैकेट है बिल्कुल ही लाइट वेट है, लेकिन पहनने पे काफी स्मार्ट लुक इसका आया है और फैब्रिक की क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है। इसमें भी जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पीस है वो है एक डेनिम और ये वाली जो डेनिम है
ये है ब्रांड लेविस से और साइज जो इसमें मैंने 30 पिक किया है, तो 30 में ना मुझे थोड़ा सा लूज आ रहा है, तो अपना जो एक्चुअल साइज है ना उससे एक साइज जो है डाउन जाइएगा तो अच्छी फिटिंग आएगी। तो ये वाली जो डेनिम है इसकी वेस्ट से वो हाई राइज मिल जाएगी और काफी स्ट्रेचेबल है और इसका जो पैटर्न है वो आपको स्किनी फिट मिल जाएगा, तो फिटिंग वगैरह मुझे काफी अच्छी लगी है, लेकिन वेस्ट के पास से मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है 30 में, तो मुझे लगता है 28 जो है वो मुझे काफी अच्छे से फिट आएगी। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफी सुपर है, क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं अगर ब्रांड लेविस से है तो। तो ये वाली जो डेनिम है ना काफी सिंपल बेसिक सी जो डेनिम होती है ना वो है और काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी है, तो पर्सनली इसका जो वॉश है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि इस तरह के कलर्स ना कुर्तीज वगैरह के साथ काफी अच्छे से जाते हैं और ऊपर से ये स्किनी फिट भी है तो कुर्तीज वगैरह के लिए समर में काफी यूजफुल रहेगा। और तो इसकी जो लेंथ है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफी प्रॉपर लगी है, उतनी ज्यादा क्रॉप नहीं लगी है, तो अगर मेरी हाइट से ज्यादा भी आपकी हाइट है तो भी काफी अच्छे से जो इसकी लेंथ है वो आपको प्रॉपर आने वाली है। तो फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, उतनी ज्यादा भी नहीं है लेकिन हल्का सा जो है स्ट्रेचेबल भी है। सिंपल बेसिक सी जो है डेनिम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ब्लू कलर में तो इसके साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं, काफी अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है तो उसके हिसाब से प्राइस जो है मुझे काफी मिनिमम लगा था, तो ये वाला पीस भी जो है काफी अच्छा है तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। जो आइटम होने वाला है वो फुटवेयर से होने वाला है, तो फुटवेयर में जो है मैंने इस तरह के ब्लॉक पंप है उनको जो है बाय किया है, तो इस तरह का पैटर्न ना मैंने मिंत्रा पे फर्स्ट बार देखा था तो मैंने सोचा कि इसको बाय करके देखती हूँ कि इसकी जो क्वालिटी वो कैसे रिसीव होती है। तो इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफी सुपर मुझे लगी है, ऊपर जो बैक वाला मटेरियल है वो आपको सिंथेटिक मिल जाएगा और फ्रंट में जो है आपको कुछ इस तरह का कुशनी फुट पैड मिल जाएगा, काफी सॉफ्ट फैब्रिक है ऊपर वाला ये। अच्छा जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि इसको जो है आपको क्लीन करने में भी काफी इजी रहेगा, आप सिर्फ इसको अपने ड्राई क्लोथ से ही जो है इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, डस्ट वगैरह अच्छे से निकल जाएगा। और इसमें जो साइज है वो मैंने अपना 39 पिक किया है, तो 39 में मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, 40-41 के अराउंड मुझे इसमें जो साइज है वो अच्छे से फिट आएगा। और हील जो है इसमें आपको कुछ इस तरह के 3 इंचेस के अराउंड इसमें जो है हील मिल जाएगी और हील का जो पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरह का ब्लॉक हील वाला मिल जाएगा, कंफर्टेबल भी रहता है पहना, मुझे पर्सनली इस तरह की हील्स है वो ही ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो ब्लॉक हील्स को आप इजीली कैरी कर पाते हैं। तो ये वाले पंप ना कुछ इस तरह के हैं, इन्हें आप फॉर्मली कैजुअली कैसे भी वेयर कर सकते हैं। और बहुत सारे ब्लॉक पंप्स होते हैं ना उनमें जो ये फ्रंट वाला जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा सिंथेटिक होता है या फिर जो लेदर टाइप का होता है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन इसका जो ये फैब्रिक है ना ये काफी कुशनी है तो काफी कंफर्टेबल लगे हैं मुझे पहनने में। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी मुझे काफी सुपर्ब लगी है, तो अगर इसमें जो है 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मुझे ये वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगा था तो ब्लैक कलर से अगर कुछ डिफरेंट सा पिक करना चाहते हैं तो इसके साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो मेरी तरफ से तो ये वाला पीस भी हाईली रिकमेंड है। दैट इज टुडेज वीडियो, आई होप आपको आज का मेरा जो कलेक्शन है वो पसंद आया, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है और चैनल थोड़ा भी पसंद है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।